कांग्रेस और उसका गाजा बाजा बजाने वालों को यहां कुरुक्षेत्र से आज एक और चुनौती देता हूं। अगर कांग्रेस में दम है तो वो कर्नाटका और तेलंगाना में अपनी किसान योजनाएं वहां लागू क्यों नहीं करते हैं, फिर सिर्फ झूठी बातें कांग्रेस क्यों करती रहती है, जमीन पर करके क्यों नहीं दिखाते। साथियों, मैं कांग्रेस और उसका गाजा बाजा बजाने वालों को यहां कुरुक्षेत्र से आज एक और चुनौती देता हूं। कांग्रेस किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाती है। सच्चाई ये है, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस में दम है तो वो कर्नाटका और तेलंगाना में अपनी किसान योजनाएं वहां लागू क्यों नहीं करते हैं, कहीं तो करके दिखाओ। किसान तो किसान है, हरियाणा के हो या फिर कर्नाटका के, फिर सिर्फ झूठी बातें कांग्रेस क्यों करती रहती है। जमीन हरियाणा के हो या फिर कर्नाटका के, फिर सिर्फ झूठी बातें कांग्रेस क्यों करती रहती है। जमीन पर करके क्यों नहीं दिखाते। आप देखिए एमएसपी को लेकर यहां ये कितना शोर मचाते हैं, जबकि हमारा हरियाणा देश का वो राज्य है जो 24 फसलें एमएसपी पर खरीदता है। हरियाणा की भाजपा सरकार सिर्फ एमएसपी देती है इतना ही नहीं, बल्कि भाव का अंतर भी देती है, भावांतर योजना चलाती है। मैं कांग्रेस वालों से पूछता हूं, वो लोग कर्नाटका और तेलंगाना में कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं, वहां किसानों को कितना एमएसपी देते हैं। साथियों, भाजपा की केंद्र सरकार ने किसान का बोझ अपने ऊपर लेने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। आप यूरिया का उदाहरण देख लीजिए, यूरिया का उदाहरण हमारे सामने है। विदेशों में यूरिया की जो बोरी 3000 रुपए की बिकती है, वही बोरी आपको सिर्फ 300 रुपए से कम में दी जाती है। कहां 3000। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।